Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. नाजरीन आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज़ पर। MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दी अपने ही पार्टी के कारकुन और लोकल लीडर्स को वार्निंग और कहा अवाम को मत सताए और ना ही उनसे पैसे कमाए, बजाय अवाम की खिदमत करके आखिरत बनाए। और कहा पार्टी में कोई पोजीशन मिलने के बाद उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, हमारी दोनों आँखें खुली है। उन्होंने ये बयान आज एक जलसे के दौरान दारुसलाम में कहा। छोटे छोटे मसाइल के लिए आवाम के दरमियान में रहिए, कारकुनों से कहूंगा कि आवाम के दरमियान में रहिए, खुदा आवाम को परेशान ना करो, आवाम की परेशानी को दूर करो, आवाम के दरमियान में से करो। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए। अगर सरमाएदार बनना है, पैसा कमाना है तो कहीं और जाओ, कुछ भी कर लो, आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो, यह आखिरत का सौदा है। दुनिया तो मिल जाएगी लेकिन आखिरत अगर मिलेगी तो आवाम की और जमात की दियानतदारी ईमानदारी से खिदमत करने में मिलेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, ये आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। और ये ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, ये ना समझो कि हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कैसे तामीर करता है नहीं करता है, वो बल्दिया मजाज है। अगर कोई मजलिस का आदमी भी गलत तामीर करेगा, बल्दिया एक्शन लेगी उसके खिलाफ। आप आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसमें नहीं जाएंगे, ये बल्दिया का काम होगा। मुझे मजबूर मत करिए इससे ज्यादा आगे जाने। मैं तमाम से फर्दन फर्दन भी कहा हूं, बैठकर भी बताया हूं तमाम लोगों को, तो मेरी उम्मीद है कि हमारे अराकीन बल्दिया वो जमात का काम करेंगे। और अगर कोई गलती करता है तो वो जाने, बल्दिया वाले जाने, बल्दिया एक्शन ले ले। तो इस तरफ मत जाइए, क्योंकि याद रखिए, हम सबको याद रखना है कि मरहूम फायज सालार मिल्लत ने क्या कहा था। सालार का जुमला एक तारीफ ही था कि जमीन अल्लाह की, हफ्जा अब्दुल्ला। तभी तो ये कामयाबी मिली ना हमको, तभी तो लोग घर बना सके अपना। अगर आज हम इन सालार के इन तारीफी नसीहतों को भूल जाएंगे तो ये गलत होगा। मैं बहसियत एक मजलिस के जिम्मेदार के आपसे कह रहा हूं कि मरहूम फायद की इस नसीहत को याद रखिए। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे उसमें बड़ी बरकत होती है, और उनकी नसीहतों पर, उनको याद रखना, उस पर अमल करना, ये अच्छा जमात के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि मैं हमारे अराकीन बल्दिया से कहना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने आप से भी मुखातिब हूं कि मजलिस के दस्तूर में लिखा है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, अपनी दीनी हमियत को बरकरार रखें,
अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखें और कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम शिर्क के करीब चले जाते, इसको याद रखिए। यकीनन मजहबी आजादी सबको है, हर कोई अपने मजहब पर चल सकता है, मगर जब आप अपनी इस शनाख्त को, अपनी हमियत को बरकरार रखिए और सबका काम करिए, बजाय किसी का मत लेके कौन किस मजहब का है, बल्कि सबका काम करिए, मगर अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, अपनी दीनी हमियत को मद्देनजर रखकर काम करिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जमात के दस्तूर को पढ़िए। जमात के दस्तूर में क्या लिखा है मजलिस के रुकन के बारे में, मजलिस के मेंबर्स के बारे में। मजहबी आजादी सबको है, मगर अपनी अहमियत को भी मद्देनजर रखकर काम करिए।